फ्रेंड्स, किसी भी वजह से आपके पेट पर दबाव नहीं पड़ना चाहिए। जैसे कि आप घर का काम कर रही हैं, चाहे वह झाड़ू पोछा हो या नीचे झुककर आपको कोई काम करना हो या फिर कपड़े धोते समय। इसके अलावा रिलेशन बनाते समय भी आप इस बात का ध्यान रखें कि कहीं आपके पेट पर प्रेशर तो नहीं पड़ रहा है। और यदि आपका मन नहीं कर रहा है तो 9वें महीने में आप रिलेशन बनाने को पूरी तरह से अवॉइड करें, क्योंकि इस समय आपके पेट का आकार बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है और आपका बच्चा भी नीचे आ चुका होता है। तो ऐसे में रिलेशन बनाने से शिशु को झटका लग सकता है, वह परेशान हो सकता है और आपको भी कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है। इसलिए आखिरी समय में रिलेशन बनाने से परहेज करना चाहिए। तीसरी तिमाही तक आपके शिशु के सभी अंगों का विकास पूरी तरह से हो चुका होता है और आपका बच्चा बहुत अच्छे से आवाज को सुनने लगता है। ऐसे समय पर यदि आपका शिशु तेज आवाज सुनता है, डरावना म्यूजिक सुनता है, बहुत तेज गानों की आवाज को सुनता है, तो आपका बेबी गर्भ में चौंक सकता है, शिशु घबरा जाता है, जिसके कारण बच्चे की मूवमेंट बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, बढ़ जाती है, यानी कि आपका बेबी आपसे नाराज है। प्रेगनेंसी के समय आप गाने सुन सकती हैं, लेकिन कम आवाज में और मधुर स्वर वाले सॉन्ग आपको सुनना है। इसके अलावा साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि जो महिलाएं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अपने पेट को सहलाती हैं, अपने शिशु से बातें करती हैं, उन बच्चों का IQ लेवल काफी तेज हो जाता है। और जब आप स्ट्रेस लेती हैं तो आपका शिशु भी तनाव में चला जाता है। यह भी कहा जाता है कि जब आप खुश होती हैं तो पेट में आपका बच्चा भी खुश रहता है।